तो मैं 2 मिनट में आपको सारी वेबसाइट्स के थ्रू ले जाता हूँ जहाँ पे आपको फ्रीलांस रिलेटेड काम या रिमोट काम मिल सकता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज अमन भैया और आज का जो विषय होने वाला है, सबसे पहले वी आर बैक ऑन द स्मार्ट बोर्ड। आप में से कुछ बच्चों ने कहा भैया पुराने टाइम की तरह आओ, मैंने कहा आ जाते हैं और मुझे भी बड़ा एनर्जेटिक लगता है इसके ऊपर। आज का जो विषय होने वाला है वो ये है कि भाई कॉलेज के अंदर किस प्रकार से कुछ कार्य करके, देखो एक है ना शब्द होता है इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, वर्क सुन के लगता है करना पड़ेगा, और कुछ हमारी भाषा में शब्द होते हैं कार्य, कार्य करो फल की अपने आप मिलेगा, ये लगता है देख के हाँ कार्य करेंगे अब से तो हम कार्य बोलेंगे, पॉजिटिव शब्द लगता है। तो क्या कार्य करें, कितना कमाना चाहते हो? हम कमाना चाहते हैं 5 से 25 हज़ार महीने का, अगर कॉलेज के अंदर मिल जाए पार्ट टाइम में तो बढ़िया होगा, इसके बाद तो फुल टाइम करना पड़ेगा, उपवादों को छोड़ देते हैं। तो क्या करें, अब देखो सबसे पहले करने से पहले कई बार बताना जरूरी होता है कि क्या नहीं करना है। जैसे ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि कॉलेज के अंदर हम हैं, माँ बाप हमारी कॉलेज की फीस दे रहे कि हमें ये काम करना पड़ रहा है। तो इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। पहला तो है कि भैया आप ही कहते हो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से कमाना स्टार्ट करो, अपनी कॉलेज की फीस स्वयं दो, आपको पैसे का आभास होगा, मतलब इंपॉर्टेंस पता चलेगी, ये सारी चीजें। और दूसरा बच्चा होता है जिसकी फाइनेंशियल नीड होती है, जैसे अभी हमारा रिसेंटली एक बच्चा इसरो के अंदर सेलेक्ट हुआ, अभी इसरो पेड स्टाइपेंड नहीं दे रहा पर वहां रहने में उसके खुद के खर्चे लग रहे हैं जेब से, और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बहन भी पढ़ रही है, तो उसे खुशी है इसरो जाने की पर बहुत परेशानी भी है कि अब खर्चा बढ़ गया। तो ऐसे बच्चों के लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या नहीं करना है कि अगर आपके ऑलरेडी एक ऐसे बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक में 10 लाख रुपए से ऊपर लगा चुका है, और मैं आपको कहूं भाई आपकी प्लेसमेंट तो आ रही है पर रुको रुको ये साइड हसल के लिए पहले ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, या पहले कंटेंट राइटिंग कर लो, या पहले ड्रॉप शिपिंग कर लो, या पहले अमेज़न पे एफिलिएट बन जाओ, तो वो एक गलत राय हो जाएगी आपके लिए। अनटिल अनलेस आपने सोचा है कि मैं बीटेक तो कर ही नहीं रहा, अब मेरे को कुछ नई फील्ड में, हम आज काफी सारे डोमेन्स आपको बताएंगे और इनमें से कुछ तो आप फर्स्ट टाइम ही सुन रहे होंगे क्योंकि ये यूजुअली इतना मेन स्ट्रीम में बोला नहीं जाता, और मेरे खुद के अनुभव से मेरे को कुछ चीजें पता चली है, बीच में ही कहीं मैं आपको सारे ऑर्गेनाइज तरीके से बता रहा हूँ। तो यार शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने तो कोई स्क्रिप्ट व्रिप्ट इतनी बनाई नहीं, पर मैं मोटा मोटी इसको 3 भागों में डिवाइड करने वाला हूँ, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ये बॉल सी बन गई। अब पहले भाग में मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, या वो बच्चे जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं जैसे बीसीए वगैरह जो बच्चे कर रहे हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं। देखो भाई समाज के अंदर हमारे लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, स्पेशली ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो कि हम वर्क फ्रॉम होम कर पाए, पार्ट टाइम कर पाए, एक लैपटॉप के माध्यम से कर पाए, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन ऐसे में निकल के आता है, और आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा टेक्निकली साउंड काम कर रहे हो, तो ऐसे में काफी सारी जॉब्स होती है वेब डेवलपमेंट के अंदर। अब वेब डेवलपमेंट आपको नाम से ही पता चल गया होगा क्या है, वेबसाइट वगैरह बनानी होती है, अब इसमें कौन से काम होंगे आपके, फ्रंट एंड रिलेटेड आपको प्रोफाइल मिल जाएंगी, बैक एंड रिलेटेड, या आप वेब नहीं भैया ऐप डेवलपमेंट रिलेटेड आपको काफी काम मिल जाएंगे, और नहीं तो कुछ यूआई यूएक्स जैसे काम मिल जाएंगे। अब इसमें काम किस प्रकार के होते हैं, काफी सारे स्मॉल साइज बिजनेसेस होंगे जो आपको कहेंगे यार ऐसा करो हमारा काम पुराना ऑफलाइन था, इसको एक लैंडिंग पेज बना दो हमारे वेबसाइट के लिए, या फिर हमारी वेबसाइट को कनेक्ट कर दो किसी शॉपिफाई से, या फिर हम अपने पैकेजेस डिलीवर कराना चाहते हैं तो डिलीवरी ऐप के साथ कनेक्ट कर दो हमारा, या एक नया यूआई यूएक्स बनाया हमने इसको इंप्लीमेंट करके हमारे लिए काम करवा दो, या हमारा AWS की बिलिंग बहुत आ रही है, देखो कुछ ज्यादा थ्रेड्स तो कनेक्टेड नहीं है, इस पर चेक कर लो। तो इस तरीके के आपको छोटे छोटे गिग्स मिल सकते हैं जो कि आप इन लोगों के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं 2-3 उदाहरण और दूंगा, मिट गया भाई कुछ और होते हैं, जैसे अगर आपके कॉलेज में फेस्ट तो होते ही होंगे, कॉलेज फेस्ट में वही पैसा बच जाता है बच्चों के, किसके, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनके, मान लो उन्होंने टोटल 30 लाख रुपए उठाए कॉलेज और स्पॉन्सरशिप से मिलके, तो वो बिल बना देंगे दुनिया भर के, पर लास्ट में ऐसे 3-4-5 लाख रुपए ऐसे सब बटा जाता है, करप्शन स्टार्ट फ्रॉम एन अर्ली एज, ठीक है। और तो ये एक वन टाइम गिग है, इसको मैं यूँ रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कर लो, पर क्योंकि हम टॉपिक कवर कर रहे थे इस रेंज के अराउंड तो मैंने कहा बता देते हैं। सेकेंड एक होता है कि भैया आप अपना कॉलेज एम्बेसडर बन सकते हो। भैया ये कॉलेज एम्बेसडर क्या होता है, देखो अब आप बिना कांच जाने कोई स्किल के आपको कोई पैसे कैसे दे, आपके पास ऐसा क्या है, आपके पास है अपने दोस्तों का नेटवर्क। तो अगर आप क्लास के CR हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास के कोई लिंक डाल दो किसी कंपनी का, कोई प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो आपको कमीशन मिल जाएगा। इस तरीके के काम होते हैं कॉलेज एम्बेसडर्स में। साथ में ये कुछ आप एफिलिएट जैसा इसे कुछ मान लो, कोई जैसे अमेज़न पे एफिलिएशन होता है, कोई आपका प्रोडक्ट खरीदता है, आपने कोई प्रोडक्ट की लिंक किसी के थ्रू बिकवा दी, आपने एक लिंक प्रिपेयर करी उसको परचेज कर लिया किसी ने, तो आपको उसका प्रोडक्ट का कुछ परसेंटेज मिलेगा। इसी प्रकार से कॉलेज एम्बेसडर भी होता है। अब 1-2-3 और भी काम है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखो एक तो मैं सोच रहा हूँ जनरल कैटेगरी, कुछ ऐसे काम जो कोई भी कर सकता है, और एक तीसरा मैं सोच रहा हूँ कुछ क्रिएटिव काम, कि भाई आप चाहे मीडिया फील्ड से हो, आप मास कम्युनिकेशन वगैरह की कोई डिग्री कर रहे हो, या फिर आप ऐसे हो कि भाई मैं BA BCOM वगैरह या BTech कुछ कर रहा था पर अब इवेंचुअली मेरे को जाना दूसरे फील्ड में, वीडियो एडिटिंग करना चाहता हूँ, एनिमेशन करना चाहता हूँ, सिनेमाटोग्राफी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको मैं बताना वाला हूँ। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे एक काम होता है ड्रोन चलाना, यूजुअली आपने नहीं सुना होगा पर इसके पैसे बहुत मिलते हैं, और इनफैक्ट जिस भी कार्य के अंदर इक्विपमेंट महंगे लगते हैं वहाँ पे आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, चीज़ समझ में आई। अगर आप कंटेंट राइटिंग करोगे, सिर्फ टाइप करना है कोई भी कर सकता है, पैसे कम मिलेंगे। वहीं पे अगर आप कुछ ऐसा करोगे जिसके सिनेमाटोग्राफी है
तो वहाँ आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, थोड़ी स्किल भी आपको लेके और आनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कंटेंट राइटिंग में पैसा नहीं है, पर प्रोफेशनल्स के लिए पैसा है जो अच्छा काम करें। तो यहाँ पे यार शुरुआत कर देते हैं, मैं सबसे पहले इनको लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहला तो भैया हमारा पता ही है वीडियो एडिटिंग होता है, फिर हमारे यार ग्राफिक डिजाइनर भैया लोग आ जाते हैं, फिर हमारे एनिमेशन हो जाएगा, फिर कुछ और टूल्स होते हैं, मतलब अब ऐसे तो बहुत है बस मैं कुछ लिख रहा हूँ, आफ्टर इफेक्ट्स कर सकते हो, फिर और क्या होता है भैया, सिनेमाटोग्राफी होती है, इसके आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं, शादियों के सीजन में काफ़ी काम मिलेगा आपको। इसके साथ और क्या होता है भैया, और होता है भैया आप ड्रोन, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, आप अगले का क्लाइंट का माथा का तिलक लग जाते हैं, तो माथा देख के तिलक लगाते हैं, उसी प्रकार से आप घंटे के 2000 भी ले सकते हो, 5000 भी ले सकते हो, 7000 भी ले सकते हो एक घंटे के। तो आपके पास एक ड्रोन होना चाहिए, आपको उड़ाना नहीं, इसका मतलब ये नहीं है घर जाते ही सभी अपने मम्मी पापा ड्रोन दिला दो वहाँ से, अब मैं साकि नहीं, ये उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी है या फिर लेना चाह ही रहे थे अपने काम की वजह से, सीखने की वजह से, वो लोग कर सकते हैं। गूगल पे अपने आप को लिस्ट करा देना और वहाँ पे कुछ रेटिंग्स पहले अपनी 10-15 अपने दोस्तों से करा देना कि बहुत बढ़िया काम करता है, और फिर कोई सर्च करेगा मेरे जैसा व्यक्ति कि भाई वी वांट समवन जो कि ड्रोन चला सके नियर मी, तो आपकी गूगल के ऊपर लिस्टिंग आएगी, एंड अपने नाम के अंदर SEO वगैरह से तो ड्रोन कुछ लिख के रखना। तो इस प्रकार से आपको कुछ इसके अंदर, अब कुछ जनरल कैटेगरी के भी मैं काम बताऊंगा, और इसके साथ साथ बीच में मैं कुछ ऐसे प्रोफेशंस बताऊंगा जो कि आपको नए लग सकते हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग तो यार सबने सुना ही होगा, ये भी फिर से एक ऐसा काम है जो कि एक लैपटॉप की मदद से आप घर बैठे बैठे कुछ क्लाइंट्स के लिए कर सकते हो, ठीक है। मतलब दूसरा और क्या बता सकते हैं, आजकल काफ़ी चल रहा है परफॉर्मेंस, वो AC का पार्ट ही है यार, इसको अलग से लिखने की जरूरत भी नहीं थी, पर मैंने कहा चलो आपको लिख देते हैं। तो मैं काफ़ी सारे कॉलेज में बच्चे और इंडिविजुअल्स को जानता हूँ जो कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर में, पर उनका इंटरेस्ट होता है इस फील्ड के अंदर, तो वो अच्छी महारत प्राप्त कर लेते हैं। अब 2-3 काम मैं आपको और बताना चाहूँगा, सबसे पहला, और ये उन बच्चों के लिए जो सिर्फ पैसा कमाना उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि नेसेसिटी है उनकी, पहला है कस्टमर केयर। भैया ये क्या काम है, ये ऐसा काम है यार, काफी सारी आपको जॉब्स आज के दिन मिल जाएंगी जो कहेंगी हमें पार्ट टाइम व्यक्ति चाहिए, पार्ट टाइम ऐसा व्यक्ति जो कि वर्क फ्रॉम होम कर पाए, और हमारे नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं और आपको ईमेल के ऊपर रिप्लाई देने, आपको स्क्रिप्ट बना के देंगे कि ये 25-30 क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं, उनके ये उत्तर देने, आपका काम होगा ईमेल पर रिप्लाई देने, एक टारगेट दे देंगे 100 ईमेल का रिप्लाई आपको देना है। तो इस प्रकार का आप कब काम कर सकते हो, दिन के 3-4-5 घंटे लगा के, और ऐसे आपको जॉब्स काफी मिल सकते हैं अगर आप नौकरी वगैरह पे ढूंढो, ठीक है, या फिर आपको टाइप करना है कस्टमर केयर जॉब्स, पार्ट टाइम कस्टमर केयर जॉब्स नियर मी, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ऊपर के वही 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे व्यक्ति उन्हीं के ऊपर जाके इन चीज़ों को ढूंढते हैं, ठीक है। तो वो आप गूगल पे जाओगे तो आपको मिल रहे होंगे, आज स्मार्ट बोर्ड के ऊपर है, नहीं तो मैं लैपटॉप के ऊपर वो चीज़ खोल के भी दिखा देता, पर उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, वो गूगल पे आप ढूंढोगे आपको वो चीज़ें वैसे ही मिल जानी है। और क्या होता है, मान लो आप CA की तैयारी कर रहे हो, तो अब तो तैयारी करो, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करो, पर इनके अंदर भी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं अगर किसी को कैपिटल की नीड हो तो। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप CA की तैयारी कर रहे हो तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो पार्ट टाइम किसी के यहाँ। अब ये क्या होता है, ये इस प्रकार का काम होता है कि मान लो ऑल्दो आपसे कोई इतना कराएगा नहीं क्योंकि फाइनेंसेस जो होते हैं बड़ी कॉन्फिडेंशियल सी चीज़ होती है, पर मान लो अगर आपको कोई ऐसा काम दे घर परिवार में कोई और इधर उधर, क्योंकि ऐसा है कि भाई एक CA होता है, एक अकाउंटेंट होता है, और अकाउंटेंट के नीचे डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है कि भाई जो भी आपके खर्चे हैं, ठीक है, उनको सेग्रीगेट करके आपकी बुक्स में उन चीज़ों को रजिस्टर करता रहता है। तो इस तरीके की आपकी प्रोफाइलिंग मिल सकती है, या फिर दोबारा मान लो आप SSC की तैयारी कर रहे थे, SSC तो नहीं पर चलो आप मान लो UPSC वगैरह की तैयारी कर रहे थे, और UPSC तैयारी में आप अच्छे स्टूडेंट हो जो प्री वगैरह क्वालिफाई कर चुके हैं, तो ऐसे में आपको काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ही आपको काफ़ी सारे काम दे देंगे जहाँ पे आप जो नए यंग स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस कराने में, इस तरीके के आंसर चेकिंग में आपको कई सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, वहाँ पे भी एक पार्ट टाइम काम है। तो काफ़ी लोग तो इसे पैसे की नीड की वजह से नहीं करते, इसलिए भी करते हैं जिससे कि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। आपने अभी कोई TV सीरीज भी आई थी जहाँ पे वो व्यक्ति खुद भी तैयारी कर रहा है और दूसरों के भी आंसर चेक करता है, तो उसके कैपिटल आपको मतलब बेनिफिट भी हो जाता है और आपकी तैयारी भी और स्ट्रांग हो जाती है। अरे UPSC कैसे लिख दिया हमने, इस पूरे इसको हटाते हैं यहाँ से। इसके अलावा यार आप Amazon पे अफिलिएट तो कर ही सकते हो, ड्रॉप शिपिंग जैसी चीज़ें, पर मैं उनके अंदर ज़्यादा नहीं जा रहा क्योंकि जिसको वो चीज़ें करनी है वो व्यक्ति कर ही लेगा, समझ रहे हो, वो खुद ढूंढ के उन चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ कर लेगा, मैं ज़बरदस्ती आपको उस डायरेक्शन में पुश करूँ वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। थर्ड जो चीज़ है, जैसे कि ये भी एक ऐसा ही काम है, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हो टेलीकॉलर। ये क्या होते हैं कि भाई किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट होगा और कस्टमर्स को कॉल कर करके सेल कराएंगे, तो इनकी एक फिक्स सैलरी भी होती है और साथ में कमीशन भी होता है जितना आप अपनी सेल कराते जाते हो। तो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है, BTech स्टूडेंट्स को भी, जो थर्ड ईयर में ही अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और इसमें इनिशियली ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, 15,000 से आपका चीज़ स्टार्ट होगा, पार्ट टाइम आपको देखना पड़ेगा, आपको टारगेट्स देंगे वो, दोबारा दिन के 4-5 घंटे आप इसके अंदर लगा रहे होंगे, और फिर धीरे धीरे पर वो अमाउंट 35,000 तक चला जाता है, और अगर ये सेल अच्छी करते हैं तो इनके इंसेंटिव्स हाई हो जाते हैं। तो इस प्रकार के भी आपको काफ़ी सारे जो काम है वो मिल सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है इन कामों के अंदर, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया, कस्टमर केयर हो गया, तो आपको जो पैसा मिल रहा होगा वो और ज़्यादा हो जाएगा।
और अगर आप यूएस कनाडा में होते तो यार मैं आपको बताया था कि आप रेस्टोरेंट चेन्स मैकडॉनल्ड्स वगैरह में काम कर सकते हो, वहाँ पे एक चलन है कि भाई जो सारे लोग अपनी ट्यूशन फीस को कवर करने के लिए काम कर लेते हैं। पर इंडिया में इसका बिल्कुल भी चलन नहीं है। तात्पर्य यह है कि कोई भी काम जो आप करना चाहते हो या सीखने की इच्छा रखते हो उसको आप उत्तर निकाल लोगे, उसका गूगल पे सर्च करके कुछ लोगों से बात करके आपको इवेंचुअल आंसर मिल जाएगा। इनफैक्ट इस लिस्ट के अंदर मैं और 7-8 चीज़ें लिख सकता था, पर कॉलेज स्टूडेंट्स के पास क्योंकि टाइम कम होता है, कॉलेज जाना होता है, अटेंडेंस रूल है, इसलिए मैं उन कामों को नहीं लिख पाया क्योंकि वो काम यूजुअली दिन के अंदर होते हैं। किसी और वीडियो में उनको भी हम कवर करना चाहेंगे। और अपने आप से एक सवाल पूछो कि भाई पिछले 3 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर मैंने क्या नई स्किल सीखी है, कैसे मैंने अपने आप को अपस्किल किया है, क्योंकि जब तक मुझे कोई काम आता नहीं होगा तब तक आपको कोई जॉब कैसे देगा। तो सबसे पहले तो अपना जो आप डिग्री कर रहे हो उसी के अंदर देखो आपको कोई नीश में काम मिल पाए, कोई इंटर्नशिप वगैरह मिल पाए। वो नहीं है, चेंज करना चाहते हो, पैसे की नीड है, तो आपके लिए और कुछ मैंने ऑप्शंस यहाँ पे लिख दिए हैं। तो मैं 2 मिनट में आपको सारी वेबसाइट्स के थ्रू ले जाता हूँ जहाँ पे आपको फ्रीलांस रिलेटेड काम या रिमोट काम मिल सकता है। एक एडिशनल मेंशन यहाँ पे मैंने अमेजॉन एफिलिएट का रखा है, साइन अप करो, रिकमेंड करो, और कोई आपका परचेज करता है आपके रिकमेंडेड प्रोडक्ट को तो आप अर्न करोगे। इसका मेन बेनिफिट तब है अगर आपका नेटवर्क बढ़ा है, क्योंकि तब आप ज्यादा लोगों को रिकमेंड कर पाओगे। मेन इसमें आ जाता है फ्रीलांसर, और बड़ा सिंपल है। लोगों ने जैसे अपने यहाँ पे काम बता रखे कि भाई नीड अ डेवलपर जो कि ये एरर को फिक्स कर दे, और यहाँ पे आप बिडिंग देख सकते हो कि भाई किसी ने कह दिया मेरा ये काम है, आई नीड अ वर्डप्रेस डेवलपर, एक $144 दे सकता हूँ। किसी ने कह दिया मुझे एसईओ स्पेशलिस्ट चाहिए, $1,000 दे सकता हूँ। पर आर के बेसिस पे आपको बिडिंग्स वगैरह यहाँ पे दिख जाएंगी। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म अपवर्क है, अपवर्क के ऊपर आप यहाँ देखोगे तो आपको काफ़ी सारे और डोमेन्स मिल जाएंगे जो हमने वीडियो में कवर करे उससे ज़्यादा। जैसे अमेजॉन FBA स्पेशलिस्ट क्या होता है कि जो भी आप सामान लिस्ट करते हो अमेजॉन के ऊपर, तो पूरा एक पूरा बैकएंड में अच्छा प्रोसेस होता है, तो वो सारे प्रोसेस से अच्छे जा रखे होते हैं। ऑडियो मिक्सर हो गया, कुछ भी हो गया। तो जैसे मान लो मैं ऑडियो मिक्सर बड़े रैंडम चीज़ पे मैंने क्लिक किया, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे काम मिल जाएंगे लोगों ने जो पोस्ट कर रखे हैं कि भाई शॉर्ट रील हैं, टिकटॉक म्यूजिक प्रोड्यूसर, और उस साथ में कितनी बिडिंग दर रखी है, वो सारा मैं यहाँ से जल्दी जल्दी आपको लेके जा रहा हूँ जिससे बाद में आप खुद एक्सप्लोर कर सकूँ। तो नेक्स्ट है फीवर, इसके अंदर भी आप अपना एक सेलर बन सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे कई सारे दिखा रखे हैं, आपको लोगो डिज़ाइन कराना है, कुछ भी कराना है, या ऊपर आप देख सकते हो वेबसाइट डिज़ाइन से रिलेटेड है। तो मैं वेबसाइट डिज़ाइन फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको लोग दिख जाएंगे जो सेलर बने हुए हैं, उन्होंने बता रखा है कि हम कितना चार्ज करते हैं, और इस प्रकार से आपको वहाँ पे क्लाइंट्स वगैरह हैं ये मिल सकते हैं। यहाँ देखो जगह बनाने में टाइम लगता है, डे वन में आप सोचो आपको सारी चीज़ मिलेंगी, पर हाँ ये एक स्टार्ट करने के लिए। पीपल पर आर भी सिमिलरली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर साथ में वर्क आना हो गया, राइट, ये मैं बस अब ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ, सब में एक ही चीज़ है। जैसे गोलैंस है, यहाँ पे भी आप एक फ्रीलांसर बन सकते हो, और उसके बाद आप अपना रेट दिखा सकते हो, अपना पोर्टफोलियो, अपना काम दिखा सकते हो। जैसे मान लो ये इसने कहा कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो सबसे पहले इस व्यक्ति का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम है वो वहाँ पे दिख जाएगा, स्किल्स दिख जाएंगी क्या क्या है, और साथ में इसकी कॉस्टिंग क्या है वो आप इसके साथ जाके बात भी कर सकते हो। फिर मतलब इस तरीके से कई सारी हैं, इंडीड के ऊपर भी आप जाके कर सकते हो। एडिशनली अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो जाते हैं। तो उनके इंस्टाग्राम पे जाके, उनकी ईमेल आईडी निकाल के यूट्यूब से अबाउट सेक्शन में जाके, लिंक्डइन पे उन्हें अप्रोच करके, उनके एग्जिस्टिंग जो काम है उसको बेटर तरीके से एडिट या थंबनेल वगैरह बना के आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो, और वहाँ पे भी आपको काफ़ी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिल सकती हैं। इसके साथ एक एडिशनल चीज़, आप खुद एक क्रिएटर बन सकते हो, चाहे वो ट्विटर की बात हो गई, चाहे वो लिंक्डइन की बात हो गई, इंस्टाग्राम की बात हो गई, यूट्यूब की बात हो गई। ये भी एक ऐसा जर्नी है जिसके थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो। इट्स मोर और लेस जैसे स्टार्टअप होता है, काफ़ी सारे आपको लर्निंग्स मिलते हैं, ये भी आपको काफ़ी सारी लर्निंग्स दे रहा होगा। और एक चीज़ का ध्यान और रखें, चाणक्य ने एक बार कहा था कि भाई जब व्यक्ति पैदा होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, तभी भगवान ने उसका डिसाइड कर दिया होता है वो क्या बनेगा, क्या करेगा, कितना क्या करेगा, कितना सुख होगा, कितना दुख होगा। तो भैया क्या हम काम करना छोड़ दें फिर जो होगा अपने आप हो ही जाएगा? नहीं, इसका अर्थ ये है कि वो कहते हैं सिर्फ कर्म पे ध्यान दो, वर्क और काम को भूल जाओ, सिर्फ कर्म, आज से कर्म बोलेंगे, सिर्फ कर्म पे ध्यान दो, बाकी सब कुछ भगवान आपके लिए देख लेंगे। तो हमें सिर्फ अपने काम में लीन होके आगे बढ़ते जाना है। टॉप 1% में यार कौन आता है, किसी भी फील्ड के टॉप 1% में कौन आता है? वो व्यक्ति आता है जिसे वो काम करने में बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। जेईई नीट में भी जिसको पीसीएम सॉल्व करने में मजा आता था वो ज्यादा नंबर लेके आ जाता था। कोडिंग के अंदर जिसे कोडिंग में ज्यादा मजा आता है वो टॉप 1% में चला जाता है। इसी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड में जिसको ज्यादा मजा आएगा वो टॉप 1% में जाएगा। पैशन नहीं कह रहा हूं, पैशन को आज के दिन यार काफी तरोड़ मरोड़ दिया गया तो उसको तो हम भूल ही जाते हैं। ये मान लो कि भाई कर्म है और कर्म करने में हमें मजा आना चाहिए और हम उसको अपनी पूरी इच्छा से करते जा रहे हैं, और जो बाकियों से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा वो टॉप 1% में आएगा क्योंकि वो दिन का आधा घंटा, एक घंटा अधिक लगा रहा होगा, राइट। तो इसी के साथ आज का ये जो सेशन है मैं समाप्त करना चाहूंगा। आई होप आप अपने लाइफ के अंदर जब उठे ना अगले दिन के लिए तो हमें पता होना चाहिए हमारा गोल क्या है, हमारा प्लान क्या है, और आज का दिन मैंने किस प्रकार से लगाया। अपने साथ ऑनेस्ट रहना यार जरूरी है। दुनिया को आप झूठ बोल सकते हो पर अपने साथ ऑनेस्ट रहना कि मैं कितना एफर्ट पुट इन कर रहा हूं। और हाँ, काफी बार आपका मोरल डाउन होगा तो पूछो क्यों हो रहा है डाउन,
ऐसा क्या कर रहा हूं, किस वजह से डाउन हो रहा है, क्या मैं सोशल मीडिया पे बहुत सक्सेस देख रहा हूं, क्या मेरे मित्र खराब है, सारे उत्तर आपको ऑलरेडी पता है, पर अप्लाई और एग्जीक्यूट हमें स्वयं करना होगा। राइट, अपने ऊपर ये भरोसा रखें कि आज हम यार चाहे कच्चे निकरों के अंदर होंगे, पर मेहनत करके अगले 1000 दिन के अंदर हम अपनी पोजीशनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। अगले 3 से 4 साल के अंदर मैं अपना औकात और हैसियत बढ़ा सकता हूं। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड सी या।